Hello friends, how are you? This is Sony from Sony's Corner. Welcome to my channel. Friends, आज हम bottle decoration एक नए style में करेंगे. कुछ अलग हटके है, तो उसके लिए हमें bottle चाहिए होगी, tissue paper चाहिए होंगे. ये tissue paper से बनाई हुई pipes हैं, ये चाहिए होंगे. और ये पाइप्स कैसे बनानी है इसका लिंक मैं दे दूंगी, मेरे दूसरे वीडियो में मैंने बताया है. और ग्लू गन की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ हमें पेपर्स चाहिए होंगे. तो और साथ में हमें वाटर और फेविकॉल मिक्सचर इक्वल क्वांटिटी में चाहिए होगा. तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं अपने बॉटल की डेकोरेशन. तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बॉटल लेंगे. ये मैंने स्क्वायर बॉटल ली है, इसकी हम डेकोरेशन करेंगे. उसके लिए हमें टिश्यू पेपर चाहिए और फेविकॉल और पानी का मिक्सचर चाहिए. पहले टिश्यू पेपर को जस्ट हमें डिप करके गीला करना है और इसको प्लेस करते जाना है. तो ये फ्रेंड्स, ये हमने कुछ ट्रीज का इफेक्ट देना है, इसके हिसाब से हम पेपर्स को प्लेस करेंगे. ये फेविकॉल और पानी का मिक्सचर है, तो उससे ये हमारा टिश्यू पेपर स्टिक हो जाएगा. हमें इस तरीके से रैंडमली कुछ प्लेस करना है और हमें ट्री और ग्राउंड का इफेक्ट देना है. उसके लिए हम टिश्यू पेपर प्लेस करते जाएंगे, डिप करके इस तरीके से डिप करेंगे और इसको कुछ तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके से हमें पूरी बॉटल को कवर कर देना है. तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमें टिश्यू पेपर का पेड़ बनाना है. तो ये देखिए फ्रेंड्स, टिश्यू पेपर हमने लगा दिया है. कुछ इस तरीके से इफेक्ट देना है आपको. चारों तरफ टिश्यू पेपर लगाने के बाद हम न्यूज़पेपर लगाएंगे. न्यूज़पेपर लेंगे हम, उसकी हम स्ट्रिप्स काटेंगे पहले.
अभी इस पर हम ग्लू लगाते हुए यहाँ पर इफेक्ट देंगे। ये हमने ग्राउंड का इफेक्ट देना है यहाँ पर, तो उसके लिए हम ये होममेड ग्लू है, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है, उसका लिंक मैं दे दूँगी आपको, तो आप चेक कर लीजिए। अच्छे से ग्लू लगाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर लगाना है। ये ओपन स्पेस के नीचे आपको प्लेस करना है, कुछ ऐसा उभरा हुआ। अच्छे से गम लगाते हुए आपको ये कवर करना है। तो फ्रेंड्स नीचे यहाँ पर और बैक पर भी सेम तरीके से हमें न्यूज़पेपर का गम लगाकर चिपकाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने न्यूज़पेपर जो है वो स्टिक कर दिया है। रैंडमली ऊपर नीचे स्टिक करना है, इवनली नहीं करना आपको। ये देखिए नीचे इस तरीके से हमने पेपर को चारों तरफ स्टिक कर दिया है, और हमारा टिश्यू पेपर के ब्रांचेस भी बना दी हैं, और थोड़ा और 3D इफ़ेक्ट देने के लिए हम ग्लू का इस्तेमाल करेंगे, हॉट ग्लू का। तो अभी हॉट ग्लू लेते हैं और उससे हम थोड़ा अंदर ब्रांचेस का इफ़ेक्ट देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके से हमें ब्रांचेस का इफेक्ट दे देना है। थोड़ा ऊपर देंगे, या इस साइड में भी उसी तरीके से हम ब्रांचेस का इफेक्ट देंगे। लीट हो गया है, नीचे हमने न्यूज़पेपर को स्टिक कर दिया है और ये टिश्यू पेपर को भी हम ब्रांचेस हमने बना दी हैं। तो अभी हम ऊपर पेपर पाइप्स जो हमने ली हैं वो उसको लगाएंगे फेविकॉल से। फेविकॉल यहाँ पर लगाकर इसको हम स्टिक करेंगे।
यहाँ हमने पेपर पाइप्स को इस तरीके से स्टिक कर देना ऊपर। इसको थोड़ी देर पकड़ के रखेंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, अच्छे से स्टिक हो जाए। तो ये हमारा बेसिक तैयार हो गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बॉटल जो है वो ड्राई अप हो चुकी है। टिश्यू पेपर और पेपर जो हमने अटैच किए थे वो सब ड्राई हो चुके हैं। अभी कलरिंग करेंगे, हाँ कलर का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम एक्रिलिक कलर यूज़ करने वाले हैं, और ये साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी कि कौन कौन सा कलर है। तो चलिए अभी हम कलर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नीचे बेस से शुरू करेंगे, और यहाँ पर हम कुछ ब्राउन और ग्रीन कलर यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए अभी हम ब्राउन कलर बनाएंगे। ब्राउन कलर बनाने के लिए हमें फ्रेंड्स रेड कलर और हल्का उसमें टच देना है। ये देखिए, रेड कलर लेकर हल्का सा ब्लू का टच देंगे तो ब्राउन कलर बन जाएगा हमारा। तो ये ब्राउन कलर अभी हम यूज़ करेंगे नीचे। साथ साथ में हमने हल्का ग्रीन का भी टच देना है, वो भी साथ में खोल के रखते हैं हम। ऑल ओवर पहले ब्राउन की कोटिंग कर देंगे। आपको मैं इजीएस्ट वे बता रही हूँ पेंटिंग का। तो अब पहले आप कोट कर दीजिए ब्राउन कलर से। ब्राउन से इसको कोट कर दिया है, इसमें हम हल्का हल्का ग्रीन का टच देंगे। कहीं कहीं हमने ग्रीन का इसको टच देना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमें क्रिएट करना है ग्राउंड। बीच बीच में हमें इफेक्ट देना है ताकि नेचुरल ग्राउंड का इफेक्ट आ जाए। चारों तरफ हमने ग्राउंड रेडी कर दिया है। अभी हम अंदर फिल करेंगे। यहाँ पर हमने वाटर और स्काई का इफेक्ट देना है, तो हम पहले अंदर का फिलिंग करेंगे ब्लू और वाइट से। तो फ्रेंड्स, हमारी ग्राउंड रेडी होने के बाद हमने अंदर फिलिंग करनी है। हमने स्काई और सी का इफेक्ट देना है। तो ये ओपन स्पेस आपको जो भी नज़र आ रही है वहाँ हम फिलिंग करेंगे ब्लू और वाइट से। जहाँ पर भी आपको बॉटल की ओपन स्पेस नज़र आ रही है वहाँ हम फिल कर देंगे। ब्लू कलर और वाइट का इफेक्ट हमें देना है।
sky or sea cup. इस तरीके से फ्रेंड्स हमें ऊपर ब्लू किया फिर वाइट करेंगे, ये हमारा बीच में ब्लू का स्काई और यहाँ स्काई और यहाँ पर सी का इफेक्ट आ गया है। तो इसी तरीके से आपको जो जो खाली जगह दिखती है आपको ब्लू कलर से फिल कर देना है। ब्लू का इफेक्ट देना है, ऊपर डार्क फिर लाइट और नीचे डार्क और फिर लाइट। इस तरीके से हमें इफेक्ट करके सी का और स्काई का इफेक्ट दे देना है। जहाँ जहाँ हमें ओपन स्पेस नज़र आ रही है इधर जो जैसे हमने यहाँ पर किया वैसे ही हमें यहाँ पर भी फिल कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ऑल ओवर ब्लू एंड वाइट से कवर कर दिया है जो ओपन स्पेस है बॉटल की। ये देखिए इसका इफेक्ट कितना अच्छा आया है, ब्राउन और ग्रीन कलर का मिक्सचर लेंगे। पहले हल्का हल्का ब्राउन का इफेक्ट देंगे सब जगह, ये देखिए ग्लू गन का इफेक्ट कितना अच्छा है। इस तरीके से फ्रेंड हमें हल्का हल्का ब्राउन का इफेक्ट देके फिर उसके बाद हम ग्रीन और येलो का इफेक्ट देंगे। यहाँ पर भी हम जहाँ पर ग्लू गन से इफेक्ट बनाया है हमने पेड़ का, उसको भी हम कोटिंग दे देंगे ग्रीन कलर से। और यहाँ हम हल्का येलो का भी इफेक्ट देंगे, थोड़ा हाईलाइट करेंगे। को कोट कर देना है। तो ये देखिए हमने टिश्यू पेपर हमारी ये बॉटल रख रही है। अभी हम इसको हल्का सा डार्क कलर करेंगे ताकि इसकी गेटअप आए, डार्क में ब्राउन में हल्का सा ब्लैक टच करके इसको हल्का सा इफेक्ट देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं देना, इसको हल्का सा इफेक्ट देंगे ताकि ये थोड़ा बाहर आ सके। इस तरीके से फ्रेंड्स हल्का हल्का ब्लैक का टच का इफेक्ट देंगे इसको। देखिए फ्रेंड इसको हम ब्राउन से कोट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने ऊपर भी ब्राउन कलर से इसको कोट कर दिया है। तो ये हमारी बॉटल रेडी है। ये देखिए इसका कुछ इफेक्ट इस तरीके से है। किसी भी साइड से हम डेकोरेट कर सकते हैं इसको। अभी इसको अगर गोल्ड इफेक्ट देना है
तो इसको हल्का हल्का गोल्ड इफेक्ट दे सकते हैं, नहीं तो एज इट इज़ भी अच्छी लगती है। तो गोल्ड इफेक्ट देने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ, हल्का सा गोल्ड का हल्का सा हाथ में कलर लेकर उसको जस्ट आपको जिसको हाईलाइट करना है उसको हल्का टच देना है, जैसे कि ये पेड़ पर नीचे ग्राउंड में। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से ये हमारा और एंटीक लुक आ जाएगा। इस तरीके से फ्रेंड्स हमारी बॉटल है रेडी हो जाती है। हल्का ऊपर से ऊपर भी हम इसको टचिंग करेंगे और ये हमारी बॉटल जो है एकदम से रेडी है। ये देखिए, इसको आपको एज इट इज़ भी रख सकते हो अपने ड्राइंग रूम में और लिविंग रूम में, और अगर इसके ऊपर टी लाइट अगर आपको रखनी है तो वो भी रख कर आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो